नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी पोर्शन कवर कर रहे थे, आरएलबी एनटीपीसी और साथ में ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन आपके जो भी होने वाला है, तो इन सभी के लिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए बायोलॉजी का, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक इसकी मिल जाएगी। और देखिए हम आपको पूरा कंप्लीट जनरल साइंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आपका ग्रुप डी में ये पूछा जाएगा और साथ में एनटीपीसी में भी आपके पूछे जाएंगे टायर टू में। तो इन सभी के लिए आपका ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में हमने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखा था, तो आज जो है हम लोग ह्यूमन ब्लड के बारे में देखेंगे, और इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपका, तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो है दोनों टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है समझेंगे कि ब्लड आपका जैसे ये क्या होता है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो ब्लड जो है आप जानते हैं कि ये हमारे पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट करते रहता है, और साथ में जितने भी असेंशियल जो सब्सटेंस होते हैं तो वो जो है डिलीवर करते रहता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फिर न्यूट्रिएंट्स हो गया, जितने भी बॉडी के हमारे सेल्स है तो सभी में जो है इन सारे न्यूट्रिएंट्स के वहाँ पे जैसे डिलीवर होना असेंशियल होती है। तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड, यानी कि ब्लड ही है कि जो हर एक पार्ट में हमारे हर एक बॉडी के जो सेल्स होते हैं तो सभी में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का ये काम करते हैं। तो एक तरीके से ब्लड आपका जो है, तो ये एक तरीके से आपका एक कनेक्टिव टिश्यू का भी ये काम करता है आपका, और ये रेड कलर का आपका होता है यहाँ पे। और इसमें रीजन्स क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे फर्दर ऑन में कि रेड कलर क्यों होती है। अब देखिए जो ब्लड आपका रहता है ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते रहती है, पूरे इंटायर बॉडी में, और इसके साथ साथ में जितने भी हार्ट होते हैं या फिर जो ब्लड वेसल्स आपके हो गए, तो इन सभी में कंटिन्यूअसली और हमेशा ये होते ही रहते हैं। तो देखिए जो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई ब्लड सर्कुलेट कर रही है, तो ऐसा नहीं कि बस केवल इसमें केवल ब्लड ही होती है, उसपे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर में। तो इसमें मेनली जो ब्लड के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके, एक आपका हो गया प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स। तो इसमें देखिए जो प्लाज्मा आपका है, तो प्लाज्मा जो आपका रहता है तो ये एक नॉन लिविंग फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, और ये जो है पूरे ब्लड का जो अब जितना भी रहता है तो उसका हिस्सा लगभग 55 से लेकर 60% होता है प्लाज्मा। तो ये एक नॉन लिविंग फ्लूइड आपका है। अब देखिए जो प्लाज्मा आपका है, तो मेन जो इसका कंपोनेंट्स होता है प्लाज्मा का, इसमें 92% वाटर रहती है, और इसके अलावा कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी आपके रहते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया 7% रहता है, इसके अलावा साल्ट और ग्लूकोज रहते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट है आपके प्लाज्मा के। तो मेनली इसमें जो रहता है आपका वाटर रहता है प्लाज्मा के अंदर में, और इसके साथ में देखिए जो प्रोटीन जो इसमें रहते हैं, तो मेनली जो प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं आपके ब्लड के अंदर में, तो वो है आपके फिब्रिनोजिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और साथ में प्रोथ्रोम्बिन। तो ये है इसके जो प्रोटीन कंपोनेंट है। अब इसके अलावा देखिए जो प्रोटीन आपके रहते हैं यहाँ पे, तो ये ब्लड के प्लाज्मा रहते हैं तो उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा था कि ये मेनली जो प्लाज्मा आपका है तो वाटर और साथ में सॉलिड पार्टिकल जो रहते हैं इसके अंदर में वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन मेनली आपके ये रहते हैं। तो प्रोटीन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं तो ये आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा आता है बराबर एग्जाम में। अब देखिए ये जो प्रोटीन आपके जो रहते हैं यहाँ पे, तो इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका एक है आपका फाइब्रिनोजन और दूसरा आपका है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये जो है आपका ब्लड क्लोटिंग में ये प्रोटीन हेल्प करते हैं। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि कौन सा प्लाज्मा का वो कंपोनेंट है, मतलब प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो है आपका फिब्रिनोजिन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है साथ में एक क्वेश्चन भी देखते चलेंगे हम लोग, जो भी आपके ग्रुप डी में पूछे गए थे क्वेश्चन या फिर जो भी आरआरबी के एग्जाम हुए थे आपके। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि प्लाज्मा कि विच वन ऑफ द ब्लड कंस्टिट्यूट इज अ, तो प्लाज्मा जो है जो कि एक ब्लड का ही एक कंस्टिट्यूएंट है, तो ये क्या होता है बेसिकली, सेल होता है, मसल होता है, लिक्विड या फिर टिश्यू होता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो प्लाज्मा है तो ये एक लिक्विड कंपोनेंट होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन थ्री इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स रिलीजेस डैश विच हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ए ब्लड, तो ब्लड प्लेटलेट जो रहता है हमारा तो वो क्या रिलीज करता है जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। तो ऑप्शन में देखिए दिया प्रोथ्रोम्बिन, फेब्रिन, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो देखिए जो प्लेटलेट्स रहता है वो रिलीज करता है प्रोथ्रोम्बिन, तो ये प्रोटीन होता है जो कि ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा जो ब्लड का मेन कंपोनेंट आपका है तो वो है ब्लड कॉर्पोसल्स है। तो आपने वहाँ पे प्लाज्मा के बारे में देख लिया, दूसरा मेन कंपोनेंट है ब्लड कॉर्पोसल्स। तो देखिए जो कॉर्पोसल्स होते हैं तो ये 40 to 50% पार्ट होते हैं टोटल ब्लड का, जैसे कि 55 से लेकर 60% पार्ट आपके होते हैं प्लाज्मा का, वहीं 40 से 50% रहता है ब्लड कॉर्पोसल्स का।
तो देखिए जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं तो मेनली आपके ये सारे होते हैं, जैसे कि आपका आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और ब्लड प्लेटलेट्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए सभी को आप लोग अच्छे से ध्यान से सभी का डेफिनेशन देखना और इसके फुल फॉर्म भी देखना। पहला आपका है आरबीसी, इसका होता है फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और इसको दूसरा नाम से बोला जाता है तो वो है आपका दैट इज एरिथ्रोसाइट्स हो गया। और वहीं पे जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स है तो इसका जैसे कि दूसरा नाम है लिकोसाइट्स है। तो ये जो है आप लोग इन सभी को याद रखते चलना। और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स है, तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी आरबीसी के बारे में देखेंगे हम लोग, जिसका अदर नेम इसका है एरिथ्रोसाइट्स है। तो देखिए जो एरिथ्रोसाइट्स है यानी कि जो आरबीसी आपका है, तो ये जो है आपका मेनली अगर बात करते हैं इसका फॉर्मेशन का, तो ये होता है आपका यहाँ पे लिवर में होती है, यानी कि जब यूटेरस के अंदर में जब मान लीजिए बेबी कोई ग्रो करती है तो उसमें मेनली जो है लिवर में होती है। और इसके साथ में जब ओरिजिनेशन हो जाती है मतलब कि जो बेबी बाहर जब आ जाते हैं तो फिर इसके बाद देखिए इसका जो फॉर्मेशन आपका होता है ना, तो ये होता है आपका यहाँ पे दैट इज आरबीसी इन द रेड बोन मैरो। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस दिया आपको ध्यान रखना। मेनली यूटेरस जो है तो आरबीसी मेनली फॉर्म्स कहाँ पे होता है, लिवर में और साथ में स्प्लीन में भी होती है, लेकिन जब ओरिजिनेशन हो जाता है तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और मेनली क्वेश्चन आपका यही आता है कि रेड जो आपका आरबीसी रहती है कहाँ पे फॉर्मेशन होती है, तो ये रेड बोन मैरो में ही होती है। और वहीं देखिए जो हीमोग्लोबिन होती है तो वो आरबीसी के अंदर में प्रेजेंट रहती है, इसी के चलते जो है रेड कलर होती है हमारे ब्लड का। अब इसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट रहती है आरबीसी में लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट रहती है आरबीसी में, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसे याद रखना। अब देखिए जो भी आरबीसी जो फॉर्मेशन होती है तो जो ओल्ड और जो फीबल आरबीसी हो जाती है तो वो जाके डिस्ट्रॉय होती है लिवर या फिर स्प्लीन में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैट इज कि जो ओल्ड और फीबल जो जो आरबीसी होते हैं तो वो कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय होती है, तो वो होता है आपको लिवर या फिर स्प्लीन में। और इसी के लिए देखिए लिवर या स्प्लीन को बोलाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि जहाँ पे किसी का एंड होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेवयार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंस आरबीसी का क्या हो रहा है डिस्ट्रॉय होती है लिवर या स्प्लीन में, तो इसलिए लिवर या स्प्लीन को बोलाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा आता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि जो आरबीसी है तो इसका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज का, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। तो ये चीज़ आप लोग इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स है तो आप लोग याद रखना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला जो ब्लड कॉर्पसल्स का जो मेन कंपोनेंट आपका है तो वो है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि शॉर्ट में WBC बोलते हैं, इसको अदर नेम से बोलते हैं हम लोग लिकोसाइट्स हम लोग बोलते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे पूछा था कि अदर नेम ऑफ WBC क्या है, तो वो है आपका है लिकोसाइट्स है। तो देखिए जो WBC होता है तो इसके अंदर में हीमोग्लोबिन नहीं होती है लेकिन न्यूक्लियस इसके अंदर में प्रेजेंट होती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, इस पे आपको फोकस करना है WBC और आरबीसी में कंपेरिजन का। इसके अंदर में हीमोग्लोबिन नहीं होती है लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है WBC में। और WBC देखिए ये बेसिकली बॉडी का जो है ये मिलिट्री फोर्स भी होता है एक तरीके से, जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जितने भी मान लीजिए अटैक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या जो भी माइक्रोब्स होते हैं तो उन सभी से लड़ने में ये जो है क्षमता प्रदान करती है। तो जो आपका WBC है तो इसलिए इसको बोलाता है गार्ड्स बोलाता है, यानी कि मिलिट्री फोर्स भी बोलाता है एक तरीके से, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें माइक्रोब से। फिर इसके बाद देखिए जो WBC आपका रहता है तो ये इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा होता है अग्रेनुलोसाइट्स आपका। और मेनली जो WBC है तो इसका लाइफ स्पेन बहुत ही कम होती है, अबाउट 5 to 6 5 to 7 days ओनली होती है। और वहीं देखिए जो WBC आपका है, जैसे कि आपको हमने बताया था यहाँ पे कि जो WBC के जो टाइप्स आपके होते हैं तो उसमें से भी जो आपका ग्रेनुलोसाइट जो है तो इसके फर्दर तीन टाइप्स और होते हैं। एक आपका हो गया न्यूट्रोफिल्स जो कि नियरली 60 to 70% होती है, दूसरा आपका इसिनोफिल्स ये ओनली 2 to 3% ही होती है। और इसका मेन देखिए काम होता है कि ये जो है इम्यूनिटी और साथ में जो है आपका ये एंटी एलर्जिक एक्टिविटी को प्रमोट करती है, यानी कि इन्हांस करती है ताकि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। और ये जितने भी एक्टिविटीज होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में एंटी एलर्जिक जो भी एक्टिविटीज होते हैं तो ये सारे होते हैं इसिनोफिल्स के द्वारा। और तीसरा आपका है दैट इज बेसोफिल्स। फिर उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपका मेन पार्ट था इसमें वो है आपका एग्रोनोसाइट्स है। तो ये जो है आपका ये माइक्रो सब्सटेंस होता है जो WBC में जो पाउंड किया जाता है, तो वो आपका है, तो फर्दर ये भी दो टाइप्स के आपके होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट्स और दूसरा आपका हो गया मोनोसाइट्स। तो देखिए जो लिम्फोसाइट्स आपका है तो ये जो होते हैं ये टाइनी WBC होती है जिनका न्यूक्लियाई लार्जर होती है। और वहीं दूसरा आपका जैसे मोनोसाइट्स आपका है तो ये कंपेरेटिवली लार्जर होते हैं कंपेरिजन में, लेकिन इनका न्यूक्लियाई जो होता है तो वो स्मॉल होती है। तो ये सारी चीज जो है जो आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद देखिए जो अदर कंपोनेंट है आपका ब्लड का जिसमें कि कॉर्पसल्स के अंदर में आपका रहता है तो वह है ब्लड प्लेटलेट्स आपका है, जिसे कि हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी हम लोग इसे बोलते हैं।
तो ये देखिए आपका, ये जो है ब्लड में पाए जाते हैं आपके यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हो या फिर और भी जो मैमल्स होते हैं, तो सभी में ये चीज़ पाए जाते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, जिसमें कि न्यूक्लियाई एब्सेंट होती है इसमें। तो न्यूक्लियाई देखिए आपका केवल WBC में ही प्रेजेंट रहता है, बाकी RBC और ब्लड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियाई एब्सेंट होती है। और एवरेज लाइफ स्पेन की यदि बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की, तो नियरली इनका 1 वीक का होता है या फिर 7 डेज का होती है इनकी। तो आप जो है इसे याद रखना है यहाँ पे। अब देखिए इसका मेन फंक्शन क्या होता है आपका, जैसे जो आपका ब्लड प्लेटलेट्स है, कि मान लीजिए जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं यानी कि जो वेन्स होते हैं जहाँ से ब्लड फ्लो करता है आपका, अगर मान लीजिए वो कट जाए आपका वहाँ पे किसी भी तरीके से कट गया हो, तो ब्लड प्लेटलेट्स आपका वहाँ पे आके जमा हो जाती है, यानी कि जो डैमेज जो वेन्स होते हैं तो वहाँ पे आपके क्लोजली आ जाएंगे और वहाँ पे जो है एकुमुलेट करना शुरू कर जाएंगे। अब यहाँ पे एक स्पेशल जो है केमिकल ये रिलीज करते हैं, सेक्रेट करते हैं, जो कि ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग देखते चलेंगे साथ में, जिससे कि आपका जो है अच्छे से आपका और तैयारी हो जाए। क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था, ग्रुप डी में पूछा गया था आपसे, कि विच ब्लड सेल्स हैज नो न्यूक्लियस सो दैट इट कैन स्टोर गैसेस। तो कौन सा ब्लड सेल्स है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होती है? तो अभी आपने देखा था कि जो WBC है आपका उसके पास होती है, लेकिन जो RBC और ब्लड प्लेटलेट्स है तो उसके पास नहीं होती है। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ में ये भी देखना कि और भी क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में। यहाँ दिया आपका लिम्फोसाइट्स, फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर प्लेटलेट्स। तो इस तरीके से यहाँ देखिए करेक्ट क्या आपका क्या होगा फॉर्म इसका, तो वो है आपका रेड ब्लड सेल्स है, यानी कि इसमें सेल के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो वो है आपका रेड RBC। प्लेटलेट्स भी आपका होगा, लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंग जिस तरीके से पूछा है उसी अकॉर्डिंग में आपको देना होगा। तो फिर इसमें करेक्ट क्या होगा आपका, ऑप्शन बी दैट इज RBC, जी ये आपका सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होती है और ये जो है स्टोर कर सकता है गैसेस को। फिर एक क्वेश्चन देखिए अगला पूछा गया आपका यहाँ पे, कि ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज विच इज। तो ल्यूकेमिया जो है तो ये एक टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज है, तो ये क्या है? तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि ए कैंसर ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, या फिर कैंसर इन द ब्रेन, या फिर कॉज्ड बाय एन ओवरडोज ऑफ द प्रोटीन। तो देखिए ये आपका व्हाइट ब्लड सेल्स का एक कैंसर होता है ल्यूकेमिया, तो ये जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में ही, सारे RRB के ही एग्जाम में पूछे गए थे, कि विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज आवर द सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट में सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म का कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का कि जो काम करता है? तो इसका देखिए दिया आपका इसमें व्हाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। तो देखिए जो व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल जो होती है, तो इनको बुलाता है सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि ये इन्फेक्शन समय बचाती है। तो और इसको जैसे अदर मिलिट्री फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए क्या होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन देखिए अगला दिया इसमें, कि द लार्जेस्ट कॉर्पोसल्स इन द ह्यूमन ब्लड आर। तो जो लार्जेस्ट कॉर्पोसल्स होता है ह्यूमन ब्लड का, तो वो कौन सा है? इसमें देखिए दिया आपका एरिथ्रोसाइट दिया हुआ है, बेसोफिल्स दिया हुआ है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो देखिए जो WBC का जो पार्ट है आपका मोनोसाइट्स, तो ये जो है आपका ये लार्जेस्ट कॉर्पोसल्स होती है ह्यूमन ब्लड का, लेकिन इसकी न्यूक्लियस कैसे होती है, तो ये स्मॉल होती है, आपने देखा था वहाँ पे। तो इसलिए क्या होगा ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो हर एक फैक्ट को अच्छे से याद करते चलना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके RRB NTPC में या फिर ग्रुप डी में ही पूछे गए थे क्वेश्चन आपके, कि विच सेल गेट्स डिप्लेटेड वेन देर इज एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो जब मान लीजिए एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पे कौन सा सेल जो है डिप्लेट कर जाती है? तो इसमें देखिए दिया आपका प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, रेड ब्लड कॉर्पल्स और इसेनोफिल्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, प्लेटलेट्स हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स क्या जाके डिप्लेट हो जाती है जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो फिर ऑप्शन ए क्या हो जाए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखिए दिया आपका यहाँ पे, कि एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज न्यूक्लियस एक्सेप्ट, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, तो सभी में न्यूक्लियस होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के। तो देखिए इसमें आपको दिया हुआ है लिवर सेल, किडनी सेल, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स या फिर ब्रेन सेल। तो देखिए जो RBC आपका है रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, तो इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थ्री हो जाएगा इसका। अब भाई हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में देख लेते हैं हम लोग, इनसे भी आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखिए जो ब्लड ग्रुप है, तो ये डिस्कवर किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। तो इन्होंने देखिए जैसे इन्होंने डिस्कवर किया हुआ था ब्लड ग्रुप के बारे में, तो इस तरीके से चार मेन टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ये होता है आपका दैट इज AB, AB और O हो गया। तो हमारा देखिए जो ब्लड होता है, हमारा ग्रुप जो डिटरमाइन किया जाता है, तो ये जीन्स के थ्रू होती है, यानी कि जो हम लोग पेरेंट्स से इनहेरिट करके हम लोग आते हैं, तो उसी से हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होती है। अब इसमें देखिए कोई भी ग्रुप आपका रहेगा, तो वो आइदर RH पॉजिटिव रहेगा या फिर RHD नेगेटिव आपका रहेगा, जितने मतलब रहेंगे यहाँ पे। तो टोटल 8 मेन ब्लड ग्रुप्स होते हैं इस तरीके से, जैसे चार आपका है, तो इसमें से आइदर पॉजिटिव या फिर निगेटिव हो गए, तो टोटल 8 ब्लड ग्रुप आपके मेन होते हैं इसमें से। तो हमारा देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है, तो आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग एंटीबॉडी और एंटीजन से जो ब्लड में हमारे प्रेजेंट होती है।
तो इस तरीके से देखिए आपका यहाँ पे जैसे जो ए बी ओ सिस्टम आपका रहेगा, तो ब्लड ग्रुप मान लीजिए कि जैसे ये चार तो आपके होते हैं ए बी और ओ हो गया, तो किसी में जैसे कि आर बी सी के अंदर में अगर एंटीजन है और एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर में रहती है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सभी को। तो ये चीज़ जो है आपको उतना डेप्थ में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपका सिर्फ ये पूछा जाता है कि जैसे अगर एंटीजन मान लीजिए कि आर बी सी में अगर मान लीजिए कि आपका अगर जैसे ए है उसका ए ब्लड ग्रुप होना है उसको, तो उस केस में आर बी सी के अंदर में एंटीजन क्या होगा, तो वो ओनली ए रहेगा, और वहीं पे एंटीबॉडी क्या रहेगा, ओनली बी रहेगी। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उस केस में एंटीजन कौन सा रहेगा, तो ओनली बी रहेगा, और एंटीबॉडी कौन सा रहेगा, तो ओनली ए रहेगा। उसी तरीके से ए बी ब्लड ग्रुप है किसी का, तो इस केस में एंटीजन जो रहती है आर बी सी में वो बहुत ए एन बी दोनों होती है, और जो एंटीबॉडी है तो वो एबसेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी एबसेंट होती है ए बी में, तो इसीलिए ए बी को बोला जाता है आपका यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, और उसमें भी आपका ए बी पॉजिटिव जो रहता है आपका यहाँ पे आर एच डी पॉजिटिव रहता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये किसी से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके अंदर में जो है एंटीबॉडी एबसेंट होती है। और वहीं देखिए अगला आपका है ओ है, तो वो जो ब्लड ग्रुप होता है तो इसके अंदर में एंटीजन एबसेंट होती है, लेकिन जो एंटीबॉडी होती है तो वो बोथ ए और बी दोनों रहते हैं, तो इसीलिए देखिए इनको बुलाते हैं यूनिवर्सल डोनर। जो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं इनको ओ आर एच डी निगेटिव जो होते हैं तो इनको यूनिवर्सल डोनर बुलाता है, ये किसी को भी डोनेट ये कर सकते हैं क्योंकि देखिए इनके अंदर में एंटीजन एबसेंट होती है, तो इसीलिए ये डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडी होती है इसके अंदर में बोथ ए और बी का। तो आई होप कि अब ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस आरआरबी में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि हु डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होती है किसने डिस्कवर किया था, तो इसका देखिए हो जाएगा आपका कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपियंट बिकॉज ऑफ दी, तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि पर्सन जो है ए बी है तो इसको हम लोग समटाइम्स बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपियंट, यानी कि किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है ये, तो ये किस कारण से होती है, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि लैक ऑफ एंटीजन्स इन हिज ब्लड, लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, या फिर लैक ऑफ बोथ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, या फिर प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड। तो आपने अभी यहाँ पे देखा था कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होते हैं, तो इस केस में देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इनके अंदर में जो ए बी ब्लड ग्रुप रहता है तो उसके अंदर में जो एंटीजन्स होते हैं तो ये बोथ ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, और वहीं पे एंटीबॉडी इनके अंदर में ये एब्सेंट होती है, तो इस कारण से इनको बोलाते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि रेसिपिएंट हम बोल सकते हैं इनको, किसी से भी ले सकते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर में एंटीबॉडी होती ही नहीं है। तो इस तरीके से इसमें आपका देखिए क्या आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि लैक ऑफ एंटीजन्स इन हिज ब्लड, तो आपने वहाँ पे देखा था कि एंटीजन्स जैसे इनके अंदर में प्रेजेंट तो होती है, लेकिन जो एंटीबॉडी होती है तो वो एबसेंट होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, यानी कि इनके अंदर में एंटीबॉडीज नहीं होती है, तो इसी कारण से किसी से भी रेसिपिएंट मतलब रिसीव ये कर सकते हैं, तो क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। तो आपको जो है पॉइंट पे ध्यान देना होगा जो आपको हमने वहाँ पे बताया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि टू विच ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिलोंग, तो जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं तो ये कौन से ब्लड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये देखिए आपका ए बी ग्रुप हो जाएगा, तो ए बी ग्रुप जो होते हैं तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका कि ब्लड फेल्स टू क्लॉट वाइल फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, अब देखिए ब्लड जो है का वो क्लॉट करना फेल कर जाता है जब भी वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करती है, तो ये किसके चलते प्रेजेंस के चलते होती है, तो देखिए ये आपका हेपेरिन के चलते होती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरीके से हम जो है आगे आपका हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करते रहेंगे लेक्चर। अभी हम लोग बायोलॉजी का पोर्शन कवर कर रहे हैं, आगे जो है हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का भी डिटेल में पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे, जिससे कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम जो है काफ़ी अच्छे से कवर आपके हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।